好赚哦。Lucky Amin's house。Thank you。दिल मेरे पति होकर तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, वरना बहुत सारे हीरोइन के पतियों को तो उनके साथ साथ उनके कुत्तों का भी ख्याल रखना पड़ता है। और होता ये है कि धीरे धीरे पति चेंज होते रहते हैं, लेकिन कुत्ता साला वही रहता है। तो मुझे भी कुत्ता रखना पड़ेगा दिल, फिर तुम्हारे घर में दो हो जाएंगे। दिल मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। जब हर सुपरस्टार के पास कुत्ता होता है तो मुझे भी रखना चाहिए, है ना? लेकिन डॉल, कुत्ता पालने के बाद तुम सुपरस्टार बन जाओगी, इसकी क्या गारंटी है? तो मैं सुपरस्टार कैसे बन सकती हूँ, बताओ ना। ये इस तरह की फोटो खिंचवा कर देखो। ये तो उर्वशी है, मेरी साइड हीरोइन है। लेकिन ये फोटो देखकर लग रहा है कि ये तो अब तुम इसकी साइड हीरोइन बन जाओगी। Nonsense, sir, you are joking. You know, मेरी शूटिंग पर इसे बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलती। हेलो जी, नहीं जी नहीं, मैं उनका पति बोल रहा हूँ। मैं डॉल नहीं, डोंट वरी, इट्स नॉट योर फॉल्ट। हेलो, यस स्पीकिंग, गुड मॉर्निंग। वो सीन क्यों काट रहे हैं आप इतना? तो रेन वाला सीन, लेकिन वो तो डांस है, रेप तो है ना? लेकिन अगर आप ये सब काट देंगे डायरेक्टर साहब, तो मेरा कैरेक्टर क्या रह जाएगा फिल्म में? मैं आपसे मिलती हूँ। You were right. मैं अब उर्वशी की साइड हीरोइन बन जाऊंगी। क्या मतलब? डायरेक्टर ने मेरे सारे सीन्स काट दिए, रेप, डांस इन द रेन, नहाने वाला सीन, एवरीथिंग इज गॉन। नथिंग टू डू विद हिम। मुझे उनसे मिलना पड़ेगा। सर हो गया क्या सीन लिख के? अभी नहीं हुआ, अब जाओ। सर 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 सर, शॉट इज ऑलमोस्ट रेडी सर। उर्वशी आ गई? सर वो तो देरी से आने वाली है। yes, उर्वशी की तस्वीर इस मैगजीन में छपी है ना, इसका ही नतीजा है, वो देरी से आएगी। अपना राइटर कहाँ है? सर वो पेड़ के नीचे बैठकर पेन से अपना सर खुजा रहा है। सर तो बोलो कि पेन है ना, सर से निकाले और पेपर पे रख के कुछ लिखे और वो सारे डायलॉग्स उर्वशी को दे दे, उर्वशी का रोल बढ़ाने के लिए बोलो। उसे वो सब कहने की जरूरत नहीं है सर। क्यों? उसने भी मैगजीन पढ़ ली है ना। हाय हाय, जैसे उर्वशी आ जाती है मैं उसका शॉट अरेंज करूंगा। लेकिन प्रेमा जी? प्रेमा को मार डाली। अगर प्रेमा जी आ भी गई ना तो उसको धूप में खड़ी रखना, समझी? और उसके दो तीन डायलॉग बचे हैं ना, वो डुप्लीकेट से ले लेंगे। मैं शॉट अरेंज करूंगा उर्वशी का। उर्वशी एकदम क्लोज में लेंगे, लॉन्ग शॉट में प्रेमा खड़ी है। प्रेमा इतनी दूर खड़ी है कि दिखती नहीं। वहां से मैं पेन करते 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 आता हूँ, करते करते आता हूँ और क्लोजअप में उर्वशी आती है। मैडम आप इतनी क्लोज थी, मैंने आपको देखा ही नहीं। लेकिन मैंने सब देख लिया, सब सुन लिया। जल्दी आ गई, आना ही था दादा। आप मेरे सारे अच्छे अच्छे सीन्स काट रहे हैं, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। जाइए। अरे आपका सीन मैं कैसे काट सकता हूँ, आप तो स्टार हैं। लॉन्ग शॉट वाली स्टार? नहीं, वो तो मैं इसको शॉट समझा रहा था कि लॉन्ग में उर्वशी होगी, क्लोज में आप। अभी कुछ गरम गरम लाओ, आई मीन ठंडा ठंडा पिलाओ। रहने दीजिए, मैं सब समझ गई हूँ, आपको मेरा नहीं उर्वशी का इंतजार है। प्रेमा जी हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैं कभी किसी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू वगैरह देती हूँ? ऑल द टाइम मैं इंटरव्यूज देती हूँ। आपको क्या सवाल पूछने हैं? मैं तो बहुत ही फ्रेंडली और कोऑपरेटिव आर्टिस्ट हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं। कोई भी सवाल पूछ लीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि प्रेमा जी, पूछे पूछे। प्रेमा जी मैं हूँ केशव। केशव आपका शूटिंग देखने के लिए आया हूँ। ओह केशव जी, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी। पूछिए। इस फिल्म में आपका हीरो कौन है? अरे प्रेम कुमार अंदर बैठा है, मेकअप कर रहा है। प्रेमा जी इस फिल्म का मैं आपका रोल क्या है? डाकू रानी का। यू नो इस फिल्म में प्रेमा जी 25 खून करती है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम केशव कुलकर्णी।
आप करते क्या है? प्रेमा जी का शूटिंग देखने का काम करता हूँ। आई मीन ऑफिस में भी काम करता हूँ, क्लर्क हूँ, आई मीन सीनियर क्लर्क। आपकी और प्रेमा जी की दोस्ती कितने सालों से है? अरे मेरी और प्रेमा जी की दोस्ती तो नहीं नहीं है, वैसे नहीं है। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। एक पड़ोसी और एक दोस्त के रूप में प्रेमा जी आपको कैसे लगती है? अरे प्रेमा जी तो मुझे हर रोल में अच्छी लगती है, है ना प्रेमा जी? एक्सक्यूज मी ये इंटरव्यू किसका है? नहीं, इंटरव्यू तो आप ही का ही ले रहे हैं, तो मुझे से सवाल पूछिए प्लीज। रूसी अब तक आई क्यों नहीं? आ गई। हाय। ओ रूसी आ गई है, अब इतना जल्दी क्यों आई? आप लंच के बाद आ जाती है। सी आई एम वेरी सिंसियर विद माय वर्क। ओ आई सी। प्रेमा जी एक देखो उर्वशी जी आ रही है, चलिए। ये वाला उर्वशी जी, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठिए। शंकर ये मेरा सामान कब्र में रखवा दो। एक्सक्यूज नो प्रॉब्लम। उर्वशी जी, आपकी तस्वीर ने शहर में खलबली मचा दी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वो तस्वीर किसने खींची, कब खींची, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। एक्चुअली क्या था कि मैं तो अपनी रूम में जस्ट चेंज। क्या आप उस पत्रिका पर मुकदमा दायर करेंगी? नहीं, बल्कि मैं तो उस संपादक को धन्यवाद देना चाहूँगी। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मैगजीन में मेरी तस्वीर छापी, इसकी वजह से मुझे बहुत सारी पब्लिसिटी मिली, लोग मुझे जानने लगे, वरना कल तक तो मुझे कोई पहचानता भी नहीं था, कोई बैठने के लिए भी नहीं कहता था। और आज ये हाल है कि डायरेक्टर खुद अपनी कुर्सी छोड़कर मेरा स्वागत करते हैं। आपने देखा रावी? उर्वश जी, इस तस्वीर से आपके करियर पर क्या असर हुआ? सुबह से मैंने 10 फिल्में साइन की हैं, वरना कल तक तो मेरे पास एक भी फिल्म नहीं थी। और आपके निजी जीवन पर क्या असर हुआ? मेरे मम्मी डैडी बहुत खुश हैं। खुश है? हाँ, फिलहाल तो वो झूमे मेरे लिए बंगला ढूंढ रहे हैं, और मेरे भाई ने तो गाड़ी भी बुक करा ली है। उर्वशी कौन? खुद जाकर देख लो वहाँ। नहीं नहीं, मैं तो आपको ही देखूंगा, आपके पास ही खड़ा रहूंगा। ये आजकल की लड़कियां कैसे कैसे फोटोग्राफ्स खिंचवाती हैं, कोई शरीफ आदमी उसे देख भी नहीं सकता। आप तो शरीफ है ना, फिर आप इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? वैसे किसकी फोटोग्राफ है? उसी की जो वहां खड़ी है। ओ हो, मतलब ये वो है? वो ये है उर्वशी? एक मिनट अभी आया। केकु जी आप भी? हाय फ्रेम। हाय प्रेमा, हाउ आर यू? फाइन। प्रेमा ये उर्वशी तो एक दिन में स्टार बन गई। उर्वशी तो सिर्फ स्टार है प्रेम, तुम तो सुपरस्टार हो, सुपरस्टार। आई नो। प्रेम, तुम फिल्मों में हीरो हो ना? आई नो। तुम फिल्मों में विलन्स को मारते हो, है ना? आई नो। और दुखियारों की मदद करते हो, है ना? आई नो। तो फिर मेरी मदद करो ना। क्या मतलब? प्रेम, तुम तो जानते हो, तुम जैसे एक्टर और मेरे जैसे एक्ट्रेस को पब्लिसिटी की कितनी जरूरत है। आई मीन कभी ना कभी हमारी हर हफ्ते कोई न्यूज छपनी चाहिए, हेडलाइंस पेपर्स में, फोटोग्राफ्स, गॉसिप कॉलम्स इन मैगजीन्स, है ना? तुम जानती हो, कभी कभी इसलिए मैं भी पार्टी में थोड़ी सी बिकर ढेर सारी हुल्लड़बाजी मचा देता हूँ। यू गुड, यू आर सो गुड। मेरे साथ में हुल्लड़बाजी मचाना। हुल्लड़बाजी और तुम्हारे साथ? मतलब झगड़ा करो? झगड़ा? हाँ करो। झूठ मूठ का झगड़ा? कितनी पब्लिसिटी मिलेगी, नेक्स्ट डे न्यूज छपेगी हेडलाइंस में, प्रेम आशालनी मशहूर एक्ट्रेस और प्रेम कुमार सुपरस्टार का जबरदस्त झगड़ा। और फिर हम मेकअप कर लेंगे और दूसरे दिन दूसरी न्यूज छपेगी, प्रेमा और प्रेम का झगड़ा प्रेम में बदल गया। कितनी पब्लिसिटी मिलेगी हमको। I know, it's great, प्रेमा, it's great. Yes. आपकी तस्वीर देखी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर खिंचवाई है आपने। लोग भी पागल हैं, ऐसी तस्वीर को वल्गर तस्वीर कह देते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको ऐसी तस्वीर खिंचवानी चाहिए। सोशल रिलेवेंस बनता है ऐसी तस्वीरों से, कलात्मकता से अगर ऐसी तस्वीर को देखा गया तो मैं तो कहता हूँ आज तक
किसी ने ना ऐसी तस्वीर खींची है, ना खींच सकेगा ना खींची जाएगी। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम सुपरस्टार होगे तो अपने घर में। घर में प्रेमा कह देता हूँ, अगर उल्टी सीधी बात की इंडस्ट्री से आउट करवा दूंगा मैं तुमको। इंडस्ट्री से आउट करा दोगे? तुम क्या प्रोड्यूसर के साले हो? तुम क्या प्रोड्यूसर की भांजी हो? Shut up! You shut up! You shut up! कुमार गॉसिप करने का नाटक कर रहे थे ना? हाँ। लेकिन उस नाटक का हीरो केशव कुलकर्णी बन गया है। क्या? हाँ देखो देखो, उसकी तस्वीर छुपी है तुम्हारे साथ। ये क्या वैश्यपन है? वैश्यपन है मैं कर रहे हो कि तुम कर रहे हो? क्या किया मैंने? मैंने कितनी बार कहा था तुमसे कि प्रेमा शालिनी से दूर रहो। तो क्या मैं उनके घर में रहता हूँ? उतना करना ही बाकी रखा है। ओ, तुम्हारी रोज रोज की किटकिट से तंग आकर मैंने प्रेमा जी को मिलना जुलना बंद कर दिया। अच्छा, जानती हो पिछले दो दिनों से मैं बालकनी में भी नहीं गया। इसका मतलब तुम्हारा प्रेमा शालिनी से कोई रिश्ता नहीं है? अबे रिश्ता जोड़ने का मौका कब दिया है तुमने मुझे? तो फिर ये क्या है? क्या? प्रेमा शालिनी का नया हीरो केशव कुलकर्णी? आगे का मैं पढ़ के दिखाती हूँ। आजकल मशहूर फिल्म अभिनेत्री प्रेमा शालिनी के सेट पर एक चश्मे बहादुर, यानी कि तुम चश्मे बहादुर, ओ चश्मा, अक्सर मंडराता नजर आता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि केकू जी मुझसे दूर रहे तो बेहतर होगा। दोनों शूटिंग छोड़कर घंटों तक मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। मीठी मीठी बातें, और वो भी केकू जी से। उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी पत्नी से ज्यादा वो प्रेमा जी को चाहते हैं। ऐसे अखबार निकलते ही क्यों है? चुप करो केशु। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेमा जी ने मेरे साथ इसलिए दोस्ती की कि उनके पति एकदम लल्लू पंजू है। लल्लू पंजू केशु के बच्चे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बाद में पीना, पहले पढ़ो, पहले पढ़ो। प्रेमा जी ने भी क्या सूसू लगा रखा है, जल्दी पढ़ो ना। सूचित किया है कि केशव कुलकर्णी की पत्नी निहायत झगड़ालू और शक्की मिजाज की औरत है। मैं शक्की? मैं झगड़ालू? मैं प्रेमा शालिनी के बच्ची को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके बाल नोच लूंगी। केशव के बच्चे, मैं तेरी खाल खींच लूंगा और अपने लिए जूते भरवाऊंगा। हटो पीछे। केकू के बच्चे बाहर आ, बाहर आ, केकू के बच्चे बाहर आ। दिलरुबा जी आप चुप रहिए, प्रेमा जी को बाहर बुलाइए। छोड़ो कोकी, लोग क्या कहेंगे? क्या बाकी रहा है लोगों को कहने के लिए? देखिए केकू जी, आपने मुझे लल्लू पंजू कहा एंड आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। दिलरुबा जी आप मुझे बोलने दो। प्रेमा जी मैं झगड़ा लू, अगर मैं झगड़ा करती भी हूँ ना तो मेरे घर में, तुमको इससे क्या मतलब है? अभी मेरी बारी। हाँ बोलो। देखिए केकू जी, आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, सॉरी कहना पड़ेगा, वो भी राइटिंग में। अबे जा जा राइटिंग वाले, पहले पढ़ना सीख। चलो कुकी। चुप रहो। दिलरुबा जी, प्रेमा जी से कहीं आइंदा मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा तो याद रखना, समझा ना प्रेमा जी? चलो कुकी। तो देखने मैं लल्लू पंजू नहीं हूँ, एंड आई विल प्रूव इट वन डे। तुम चलो। आई नेवर सेड एनीथिंग नो। गुड मॉर्निंग। प्रेमा शालिनी की नई हीरो जो बन गए? नहीं नहीं नहीं, दे दो यार, दे दो। वैसे भी आज तक तो तुम सिर्फ मास्टर ही साइन करते थे। मैं हीरो बन गए, देखो तो क्या बात है। ओके मैं हीरो बन गया। ओके आपको बॉस ने बुलाया। बॉस ने? जाओ जाओ, उनको भी एक ऑटोग्राफ दे दो। ओके पेन रखता हूँ, काफी लोगों को देना पड़ेगा। नाम रोशन हो गया, वाह। लाइए सर, कहाँ तुम? क्या ऑटोग्राफ? क्या तुम थर्ड क्लास आदमी हो? लेकिन इस बार आपको ऐसा क्यों लगा? शूटिंग देखने जाते हो, प्रेमा जी से इश्क लड़ाते हो, प्रेमा जी के हीरो से मारा मारी करते हो, और ये सब करते हो ऑफिस का काम छोड़कर। नहीं सर, ऑफिस का काम तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, मेरे टेबल पर कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। केशव तुम्हारी पोस्ट क्या है, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तुम्हारी औकात क्या है? केशव
क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? इसमें मेरा क्या कसूर है सर? नहीं, मेरा कसूर है, ये देखो ये फोटो मेरी है। नहीं, फोटो तो मेरी है सर, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्रेमा जी की कसम। कसम भी प्रेमा जी की खाओगे? केशव, अगर तुमने दो दिन में ये प्रेमा जी वाला अफेयर समाप्त नहीं कर दिया ना, तो कसम प्रेमा जी की, मैं तुम्हें प्रेमा जी के यहाँ कपड़े धोने के लिए भेज दूंगा। कपड़े धोने के लिए तो आदमी है। Who's there? Prem Kumar ji, aap aaye aaye. Oh. Hi Prem, how are you? Not good. Prema ji, not good. Not good? आपने तो मेरा कचरा ही कर दिया? हाँ? आपने कहा था कि आप मेरे साथ अफेयर करेंगे। हाँ? क्या? हाँ, वो मतलब गॉसिप के लिए, फिल्म मैगजीन के लिए। हाँ, okay? हाँ. लेकिन आपके उस आदमी ने प्रेमा जी सबके सामने मुझे तमाचा मारा। I'm so sorry Prem. Oh no, better please. Come, I'm really sorry Prem. It's okay. ओके, लेकिन देखिए प्रेमा जी, इस न्यूज की वजह से आप जानती हैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं। आपके भी? आई मीन आपके भी? हाँ, प्रोड्यूसर्स कहते हैं फिल्मों में तो 10-12 विलन्स को यूं मारते हो। और एक जूनियर क्लर्क ने, इमेजिन प्रेमा जी, जूनियर क्लर्क ने सबके सामने मुझे तमाचा मारा। कहते नहीं चाहिए ऐसा हीरो। मैं आपसे माफी मांगती हूँ प्रेम कुमार जी। ये इस माफी से काम नहीं चलेगा प्रेमा जी। नहीं तो फिर देखिए, जैसे उस वो केशव कुलकर्णी ने मेरे साथ जैसा सलूक किया था, उसी तरह का सलूक आपको भी उसके साथ करना होगा। क्या मतलब? सुनिए, कल मैंने सेट पर प्रेस वालों को बुलाया है, तो उन सब प्रेस वालों के सामने आप केशव कुलकर्णी को एक जोरदार तमाचा मारेंगी। नो। ओके, नो तो ठीक है, मेरा भी नो प्रेमा जी, मैं फ्यूचर में आपके साथ कभी काम नहीं करूंगा। नो। नो। आई मीन यस, आई मीन डॉल हद कर रही हो, तमाचा मार लो उसको। नो, तुम भूल रही हो, उसने तुम्हारे पति को लल्लू पंजू कहा था। सो व्हाट, तमाचा मारोगे तो तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी। नो, आई मीन तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी डॉल। नो, आई डोंट लिसन, आप लोगों को ये नहीं मालूम केशव कुलकर्णी कैसा आदमी है, वो सेट पर दोबारा आएगा, दोबारा हंगामा करेगा। Exactly, हंगामा ही होना चाहिए प्रेमा जी, तभी हम दोनों की गिरी हुई इमेज ऊपर आ सकती है। वो देखो आ रही है धीरे धीरे। प्रेम, लेकिन केशव कुलकर्णी को सेट पर कौन बुला सकता है? मैं, तुम? हाँ। अरे तुम भूल रही हो कि उस घर में केको से ज्यादा मेरी चलती है। मतलब मैं अगर एक बार भी बोलूंगा ना कोकी जी को कि केको को भेजो, तो वो मेरी बात को नहीं टालेंगी। नहीं दिलरुबा जी, केशु प्रेमा जी का शूटिंग देखने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेमा जी ने मुझे झगड़ालू और शक्की कहा है। कोकी जी, देखिए केको जी ने मुझे भी तो लल्लू पंजू कहा, मैंने उनको माफ किया ना, किया ना। लेकिन आप केशु को सेट पे क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि इसमें हम दोनों का फायदा है। वो कैसे? देखिए, जब वो सेट पर आएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे प्रेस वाले भी आ रहे हैं, उनके सामने डॉल और केकू दोनों ये कह देंगे कि उनका आपस में कोई चक्कर नहीं है, जो भी अखबारों में मैगजीन्स में छपा है सब झूठ है, फ्रॉड है, गलत है। ये बात है और क्या। तो फिर मैं केशु को भेजती हूँ वहाँ पे। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम यहाँ गए? देखिए, मेरा झगड़ा आपके साथ है, कोकी जी के साथ नहीं। मैं चलता हूँ। फूल लेकर। ये लल्लू पंजू यहाँ क्यों आया था? अरे ये कितनी गलत बात है, आपने फिर मुझे लल्लू पंजू कहा। I don't like this. आपकी डिक्शनरी में मेरे लिए कोई और वर्ड नहीं है क्या? क्या? पंजू लल्लू। बाजी, आप झगड़ा मत कीजिए, आप जाइए, मैं भेजती हूँ फूल लेकर। हाँ, ये फूल लेकर मुझे कहाँ भेजने की बात हो रही है? प्रेमा जी का शूटिंग देखने। तुम भेजोगी मुझे प्रेमा जी का शूटिंग देखने? वाह, आखिरी बार। आखिरी बार क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेस वाले आने वाले हैं, और उनके सामने तुम्हें ये कहना है कि तुम्हारा प्रेमा जी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, जो भी पेपर में छपा है वो सब झूठ है, गलत है। आज ये बात साबित हो जाएगी कि केशव कुलकर्णी नाम के किसी भी आदमी से प्रेमा जी की कोई दोस्ती नहीं है। उनकी दोस्ती सिर्फ मेरे साथ है, मेरे साथ। ओके, आप लोग तैयार हो जाइए। हैं? हैं। ओके। प्रेम साहब, क्या मैं जान सकता हूँ कि प्रेस वाले सेट पर क्यों आए हैं? सर, याद है उस दिन अपने इस सेट पर केशव कुलकर्णी ने, जो कि प्रेमा जी का दोस्त है, उसने मुझे सबके सामने मारा था। आज मैंने उसका बदला चुकाना है। शिवानी, अभी फाइल सीक्वेंस होगी, कैमरा तैयार रखना।
प्रेमा जी, आर यू रेडी? या प्रेमा जी, प्लीज डोंट वरी, मैंने सब प्लानिंग करके रखी है, नथिंग विल गो रॉन्ग, नथिंग विल गो रॉन्ग. ओके सुनिए, जब मैं केशव कुलकर्णी को आपके पास लेके आऊंगा और कहूंगा प्रेमा जी, क्यों ये कोड वर्ड है? ओह कोड वर्ड है, ओके. जैसे मैंने प्रेमा जी कहा, आप मुड़िए और एक जोरदार तमाशा रख के दीजिए. ओके. और उसके बाद में फोटोग्राफ के लिए मेरे साथ स्माइल कीजिए. ओके. लेकिन याद रखिए प्रेमा जी, प्रेमा जी. हाँ. आगे आगे आगे, पोजीशन पोजीशन पोजीशन, ऑल द बेस्ट. ओके. अरे अरे आइए 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 केशव जी, आइए. कैसे हो? कैसे हैं आप? आइए आइए प्रेमा जी. हाँ जी हाँ जी, प्रेम की बात को भूल जाइए. क्या हुआ? क्या हुआ? प्रेमा जी, फ्लावर्स फॉर यू.